तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, व्हाट्सएप की तरफ से एक नया अपडेट आया है और एक नई सर्विस को उन्होंने रोल आउट कर दिया गया। फिलहाल बीटा यूजर के लिए, बाद में सब नॉर्मल यूजर के लिए मिल जाएगा। दोस्तों ये सर्विस है क्या, जिसका नाम है TOS रिमाइंडर, मतलब कि टर्म ऑफ सर्विस रिमाइंडर। अब आपको व्हाट्सएप रिमाइंडर करेगा हर ईयरली कि हमने आपकी जो हमारी जो पॉलिसी है व्हाट्सएप की, आपको नहीं पता तो आप उसको पढ़ लीजिए, या फिर कुछ नया अपडेट आया तो आपको वहां पर मिल जाएगा। जब भी कोई नया पॉलिसी आएगी तो वहां पर आपको एक वहां पर आपका हाईलाइट हो जाएगा कि यहां पर कुछ नया आया है और आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। तो आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों, ये आपको कहां मिलेगा, कैसे ये देखना है, तो वीडियो उसके मत करेगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप बीटा यूजर हैं तो आपको अपडेट कर लेना है, अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो भी आपको अपडेट कर लेना है, पर ये बीटा यूजर को पहले मिलेगा, बाद में नॉर्मल यूजर को रोल आउट होगा। तो आपको इसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने का जैसे ही आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक अलग से ग्रीन डॉट दिख रहा होगा। आपको दिख रहा है कि मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ नया है। जब भी अगर कोई भी टर्म ऑफ पॉलिसी में कुछ भी अपडेट होगा तो आपको यहाँ ग्रीन डॉट मिल जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर ग्रीन डॉट मिल जाएगा, हेल्थ वाले में आपको दिख रहा होगा, फिर आपको यहाँ पर ग्रीन डॉट मिल रहा है, आपको उसी पे वापस क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर आपको देखेंगे यहाँ पर एक और डॉट मिल रहा है जिसका नाम है ईयरली रिमाइंडर ऑफ अवर टर्म एंड सर्विसेज। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो आपको यहाँ पर कोई से भी ब्राउजर पर ले जाएगा, जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है ईयरली रिमाइंडर ऑफ यूजर इन इंडिया एज रिक्वायर्ड बाय इंडियन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021। दिस इज ईयरली रिमाइंडर ऑफ टर्म ऑफ पॉलिसी on WhatsApp, there are no changes on the term of policy to help you keep yourself। मतलब कि हमने इस साल कुछ भी नया changes नहीं करा, अभी हमारी नई policy के हिसाब से हमें आपको सबको बताना है कि हमने कुछ changes तो नहीं करे अपनी policies में, तो जब भी हम कुछ changes करेंगे तो आपको बता देंगे। जैसा कि उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है, इस बार हमने कोई भी changes नहीं करा, there are no changes to the term of services। मतलब कि simple information देने के लिए ये, जब भी कुछ change होगा तो आपको वहाँ पर जाके मिल जाएगा। To help yourself to term of policy, expand the WhatsApp respond to abuse you saying continue using the service, WhatsApp remain committed to your privacy and policy। मतलब WhatsApp हमेशा आपकी प्राइवेसी और सेफ्टी का ख्याल रखता है, तो आपको हमेशा जो भी कम्युनिटी गाइडलाइन है उसको फॉलो करके रखना चाहिए। तो यही लेटेस्ट अपडेट था WhatsApp की तरफ से जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।